बैटिंग पदम। सूरज आज दोपहर से चमका नहीं है, लेकिन सितारे जरूर चमके हैं एक्वेटिक सेंटर में। क्या बात है, क्या बात, वेल सेट। ये है वो सितारे जो अभी अपने अपने स्टेट के लिए, और एक बहुत बड़ा नाम जो हम आपको बता दें यहाँ पर होंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में 7 गोल्ड मेडल अपने लिए, श्री हरि नटराज। ये वो चेहरा, और देखेंगे कि आखिरी शायद लास्ट स्विम करेंगे मेरे ख्याल। और याद रखिए, मिहिर आमरे भी एक और नाम है जो आपको दिखेगा इस कॉन्टेस्ट में। मिहिर इस बॉयज अंडर 21 बॉय टू 100 मेडले के अंदर महाराष्ट्र के लिए मशक्कत करते हुए देखेंगे। एंड आई थिंक या हिज बेस्ट स्ट्रोक इज द बैक स्ट्रोक, सो बैक इज द फर्स्ट स्ट्रोक इन द मेडले, सो ही विल बी स्टार्टिंग एंड हिज मेन थिंग इज गोइंग टू बी ही हैज टू गिव देम द लीड अर्ली ऑन। चलिए स्टार्टिंग लाइनअप पे नजर डालते हैं इस मेडले रिले के ऊपर। 400 मीटर दिल्ली लेन 2 में, असम लेन 3 में, कर्नाटक लेन 4 में, जिसकी स्विमर श्री हरि नटराज की बात कर रहे थे पदमजीत शेरावत। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में 7 गोल्ड मेडल उनके नाम थे। इस एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2020 के 1 गोल्ड पहले जीत चुके हैं, और यहाँ पे दावेदारी पेश करेंगे टीम इवेंट के अंदर। कॉम्पिटिशन आ सकता है महाराष्ट्र से। Sri Hari Nataraj stands tall in height, stands tall in stature. There he is. It is his favorite stroke, the first one. It's going to be the backstroke that they will begin with. And he is to give his team a hefty lead for the rest of the 3 remaining strokes. और काबिलियत है इनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आने वाले स्ट्रोक्स जो होंगे, याद रखिए, चाहे वो ब्रेस्ट स्ट्रोक हो, बटरफ्लाई हो या फ्री, वहाँ पे काफ़ी ही कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर ले, उनके पास कुछ दिलचस्प कंपेटिटर्स हैं, कुछ काफ़ी प्रतिभावान कंपेटिटर्स हैं, जैसे मिहिर आमरे। बिल्कुल, और श्री हरि नटराज निश्चित तौर पे पहले स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में चर्चा का विषय रहेंगे। और समझ नहीं आता कि वो प्रतिभा ज्यादा है या गोल्ड मेडल, दोनों। We are on the verge of getting started, boys under 21. This is 4 into 100 meter at lane 2 Delhi, lane 3 Assam, lane 4 Karnataka. Sri Hari Nataraj will be in action in the backstroke. Maharashtra lane 5, lane 6 Tamil Nadu. And lane 6 Tamil Nadu. अनुराग शुरुआत करेंगे दिल्ली के लिए इस शुरुआती लेग को, यानी शुरुआत होगी बैक स्ट्रोक से। याद रखिए, तो स्विमर्स जो हैं सबसे पहले पूल एंटर करेंगे, पोजीशंस पकड़ेंगे, और फिर इस रिले की शुरुआत होगी। रिकॉर्ड होल्डर इन द 100 मीटर बैक स्ट्रोक इज श्री हरि नटराज। 4 into 100 meter medley starts. Sri Hari Nataraj in action, lane number 4 for Karnataka, ladies and gentlemen. He has gone off to a solid start, but look at the start coming in lane 6 as well from Tamil Nadu. That is not too bad either. Absolutely, Padam, and also keep an eye out on what's happening in lane number 2, because that is the lane where Delhi are. They are currently running in. They've just slipped off the pace. Anurag has slipped off the pace, but Sri Hari Nataraj is in a zone of his own. Absolutely, league of his own, class of his own. He is one boy who won 7 gold medals in season 2 Khelo India Youth Games. We are witnessing the 4 into 100 meter medley right here. The backstroke is the one that they start with. He starts it and he is going to give his team a hefty lead. The next stroke to follow after the backstroke, when he hands it over to his teammate, is going to be the breaststroke. तो आसानी से यहाँ पे बढ़त है, और लीजिए कर्नाटक का आसान सी बढ़त लेते हुए पृथ्वी ने अब एंटर कर लिया पूल। ये सेकेंड 100 मीटर्स जो है इस रिले के, इसके अंदर ये ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विम करेंगे स्विमर्स। आदित्य दुबे दिल्ली के लिए, पृथ्वी कर्नाटक के लिए, वो लीड जो श्री हरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में कसब की फिनिश करके उनको लीड दी, और अब उनके पास जो दायित्व था उसको बखूबी निभा रहे हैं। फिलहाल लेन 4 में कर्नाटक लीड में, क्या कुछ खासा तमाशा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या फाइट बैक आएगा। इस समय सेकंड प्लेस पे मुझे लग रहा है तमिलनाडु की टीम है, और काफी करीबी कॉन्टेस्ट चल रहा है तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच, लेकिन धनुष जो है तमिलनाडु के स्विमर इस समय ब्रेस्ट स्ट्रोक पे कंपीट करते हुए लेन नंबर 6 के अंदर। और धनुष कहीं गुनगुना तो ही रहे कोला वेरेडी। फिलहाल लीड यहाँ पर लेन नंबर 4 में कर्नाटक के पास।
बहुत बढ़िया। ओ कंपटीशन लेन छह में देखिए, यहां पर तमिलनाडु ने गैप बिल्कुल कम कर दिया है। लीड जो बहुत बड़ी थी कर्नाटक के लिए, बड़ी स्लेंडर लीड अभी। नाउ दिस इज ब्रिलियंट टू वॉच, धनुष का बेहतरीन एफर्ट है लेन नंबर सिक्स के अंदर, क्योंकि काफी क्लोज ले आए हैं वो तमिलनाडु को। बहुत ही दिलचस्प रहेगा ये कर्नाटक का। सैफ चंदन थोड़ा सा ट्रेल करते हुए लेन नंबर सिक्स में इस समय तमिलनाडु के पास बढ़ा थे आदित्य, बेहतरीन शोइंग उनकी। बटरफ्लाई में आदित्य फ्रॉम तमिलनाडु इज एब्सोल्युटली डूइंग इट एज इफ ही इज रनिंग और स्विमिंग द रेस ऑफ हिज लाइफ। देयर ही गोस फॉर द टर्न, लास्ट 50 मीटर्स रिमेनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रोक व्हिच इज द बटरफ्लाई। आफ्टर दिस वी विल हैव द फाइनल 100 मीटर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी द फ्रीस्टाइल। दिस इट ऑल स्टार्टेड विद श्रीहरि नटराज, ही गेव अ बिग लीड, बट व्हेन इट केम डाउन टू द सेकंड स्ट्रोक व्हिच वाज ब्लेस्ड, तमिलनाडु पुल थिंग्स बैक एंड नाउ इन द थर्ड वन which happens to be the butterfly, they are enjoying the lead, but it can get tighter. It will get tighter, Padam, because look at what Maharashtra are doing. Mir Hamre, remember, was expected to pull his weight. He's got Maharashtra into the fray as well. This is very, very close. The Akash from Tamil Nadu, freestyle ke andar, ye aakhri 100 meter hai, aur Akash ke paas hai Bharat. Sanjay from Karnataka lane 4, Tamil Nadu lane 6, Tamil Nadu have the lead, but you cannot count out number 5 at all. And that is Maharashtra. Aaron Fernandez has taken the lead. What a turnaround! Maharashtra are really fighting on the pressure. Aaron Fernandez ke paas bada hai. Ye phir badal hai. Tamil Nadu nahi, Karnataka nahi, Maharashtra ke paas bada hai. Aaron Fernandez kya goal chalayenge Maharashtra ko? Oh, they will fight the part. Look at that. In lane number 4. There is again stiff opposition coming in from Karnataka. Will Maharashtra rule it? He has a slam the lead. Karnataka pulling things back. This is Maharashtra with the gold medal. Aaron Fernandez, fantastic finish. Gold medal hai Maharashtra ke naam. His boys under 21, 4 to 100 meter medley relay mein. Kya behtareen finish hai Aaron Fernandez ke dwara. Ek aur gold unke naam. Pehle individual category mein gold jeeta tha. Yahan par team event ke andar gold dilaya Maharashtra ko. Sanjay ne koshish puri ki Karnataka ke liye, lekin silver se hi santosh karna padega Karnataka ko. क्या आपने सोचा था कि जब श्रीहरि नटराज ने उनको करीब 7-8 मीटर की लीड दी थी कि क्या ये नतीजा देखने में मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक स्ट्रोक दूसरे स्ट्रोक से बहुत जुदा होता है, आपको उसकी शैली भली भांति आनी चाहिए। एक लीड हमेशा रिले में फ्रीटर अवे करती है। महाराष्ट्र की टीम आपकी स्क्रीन पर, सुजीत, रुद्रांश, मिहिर और एरन, क्या बेहतरीन शोइंग रही है इनके द्वारा। और जब इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इकट्ठे कंबाइन करें एक टीम के अंदर अलग अलग इवेंट्स में, जो अपने चैंपियंस रहे हैं वो इंडिविजुअल इवेंट्स में, वो जब टीम की तरह परफॉर्म करें तो नतीजा वही होता है जो नतीजा महाराष्ट्र को मिला है, गोल्ड इनके नाम। और श्रीहरि नटराज कहेंगे कि आगे से मेडले में आप ये कर दें कि बैक स्ट्रोक आखिरी इवेंट होना चाहिए, आखिरी स्ट्रोक होना चाहिए, ताकि जो भी डेफिसिट होगा मैं अकेले अपने दम पे करने की पूरी कोशिश करूंगा। वेल डन, आप सराहना करनी होगी सुजीत की, आपको सराहना करनी होगी मिहिर की, एरन की, और डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम। एक गोल जो पिछली बार इनके हिस्से आया था वो अब नहीं आया। जी हाँ, टीम इवेंट का सिल्वर मिला है कर्नाटका को, गोल्ड है महाराष्ट्र के नाम। मिहिर आमरे, एरन फर्नांडिस, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन। शुरुआत श्रीहरि नटराज ने बेहतरीन दी थी, जब कर्नाटका को बढ़त दिला दी थी, लगभग ऐसा लग रहा था कि 12 से 15 मीटर की बढ़त ली हुई थी। पहले 100 मीटर की दूरी जब समाप्त हुई इस रिले में, आसपास भी कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जब पृथ्वी ने ब्रेस्ट स्ट्रोक की शुरुआत की तब कैचअप कर लिया तमिलनाडु की टीम ने। Absolutely wonderful to watch. Start with Srihari Nataraj. He gave them the lead. We thought Karnataka are going to have it easy, but that was just a thought. क्योंकि ये थर्ड जो लेग थी इस रिले की, यहाँ पे मिहिर आमरे ने अपना जलवा दिखाया, क्योंकि महाराष्ट्र जो काफी पिछड़ रही थी उसको सेकंड पोजीशन तक ले आए थे मिहिर, और उसके बाद उस सेकंड पोजीशन को गोल्ड में तब्दील किया जब फ्री स्टाइल लेग रन किया एरन फर्नांडिस ने। एरन फर्नांडिस जस्ट गॉट इट, ही वाज ट्रेलिंग आफ्टर द फर्स्ट 50, बट
He said, okay, gold belongs to us. Oh, the sight of that color. Rang chokha chokha gold ka. Maharashtra ke naam gold medal. Karnataka, Srihari Nataraj disappointed feel kar rahe honge. Gold jo unka ho sakta tha. Magar khel hai. Kis din aap jeette hai. Kis din aap second rehta hai. Aur Tamil Nadu, jo kaafi der tak दो और तीसरे लैप में लीड कर रहे थे इस रिले को, अंत में मिला क्या उनको, ब्रॉन्ज मेडल। तो फेर बदल, ड्रामा, एक्साइटमेंट, अनस्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट।